एंटरप्राइजेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पेपर रील टू सीट कटिंग मशीन, पेपर प्लेट का रॉ मटेरियल तैयार करने वाला पेपर सीट कटिंग मशीन। ऐसे तो पेपर प्लेट का रॉ मटेरियल तैयार करने वाला बहुत सारी मशीनें आती हैं, लाइक दैट पेपर लेमिनेशन मशीन, पेपर प्लेट सीट कटिंग मशीन, सर्कल कटिंग मशीन जो गोल काटने वाला आता है, सभी मशीनें आती हैं। आज मैं कृष्णा इंटरप्राइजेज के माध्यम से बात करने वाला हूं आपको पेपर सीट कटिंग मशीन के बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं कि पेपर सीट कटिंग मशीन होता क्या है। पेपर प्लेट का रॉ मटेरियल जो आता है वो तीन टाइप का आता है। फर्स्ट में आता है पेपर का रोल बंडल, जो रोल आता है जो हम हाइड्रोलिक ऑल इन वन पे या सिंगल डाई पे या डबल डाई पे क्या करते हैं कि रोल चढ़ा देते हैं और क्या होता है कि हमारा दोना, थाली, नाश्ता प्लेट, फूड आइटम जो भी है वो निकलने लगता है। दूसरा जो रॉ मटेरियल आता है वो आता है बफर सीट। बफर सीट जो इस प्रकार का आता है, इससे हम क्या करते हैं, सीट को हाथ से ले करके डाई में इस प्रकार से लगाते हैं और उसके बाद हाइड्रोलिक जो है डाई को प्रेस करती है और प्रेस करने के बाद इस प्रकार का जो है वो सीट कटिंग करके थाली तैयार कर देती है। तीसरा मटेरियल जो आता है वो रिंकल थाली के लिए आता है। रिंकल थाली क्या है, तो इस प्रकार का डिज़ाइन का जो है ये रिंकल थाली है। ये रिंकल थाली सामान्यतः गांव देहात में नीचे बैठ के खाने में लोग इसको उपयोग करते हैं। बफर सीट आप लोग जानते हैं कि बफर सीट से जो थाली तैयार होता है वो काफ़ी मोटा होता है, 300 GSM में वो आता है और उसे हाथ पे 1 किलो का वजन का आप भोजन लेके आप आसानी रूप से भोजन कर सकते हैं। तो वो उपयोग जो है बफर सीट से पेपर प्लेट का जो है थाली बनने के बाद तैयार होता है और उसे उपयोग करते हैं। तो सर्कल रॉ मटेरियल से रिंकल बनता है, जैसा कि आपको पता है। तो रिंकल बनाने के लिए गोल काटने का क्या प्रोसेस है, तो फर्स्ट प्रोसेस है कि पेपर लेमिनेशन मशीन है, उससे रोल बन के तैयार हुआ और रोल तैयार होने के बाद ही इस सीट कटिंग मशीन पे चढ़ा के और इसका जो है ये हम स्क्वायर में सीट काट लिए और स्क्वायर में सीट काटने के बाद इसे सर्कल बनाएंगे, यानी गोलाकार से गोल काट करके सर्कल बना लिए। तो आज हम जो बात करेंगे वो है सीट कटिंग मशीन का, क्योंकि सीट कटिंग मशीन पेपर प्लेट रॉ मटेरियल जो लोग बिजनेस कर रहे हैं या करने वाले हैं उनको काफ़ी मुनाफा देने वाला है। क्योंकि सीट कटर मशीन लेने से आपका जो है काम क्या हो जाएगा कि पेपर लेमिनेशन मशीन अगर आपके पास है तो सीट कटर मशीन ले लेते हैं तो इससे सीट कट जाएगा और सीट कटने के बाद आपके पास अगर 2 लाख रुपया नहीं है सर्कल कटर मशीन खरीदने के लिए, गोल कटर मशीन खरीदने के लिए, तो आप जो हाइड्रोलिक मशीन यूज कर रहे हैं उसी पे गोल कट सकता है। एक सिर्फ जो है 5 से 6 हज़ार रुपया का आपको कटर खरीदना होगा, कटर खरीद करके और हाइड्रोलिक मशीन पर ही आपका 2 लाख का बचत हो जाएगा, वो काम आप कर लीजिएगा। तो ये है सीट कटर मशीन। अब बात करते हैं सीट कटर मशीन के बारे में। तो बिहार का जो है पहला ऐसा मशीन मैन्युफैक्चरर है जो बेस्ट सीट कटर मशीन निर्माण करता है वो है कृष्णा इंटरप्राइजेज। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेल के लोहा में जो है पेपर सीट कटिंग मशीन को तैयार किया जाता है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि सब लोगों को सेल के लोहा में ही दिया जाता है। पेपर सीट कटिंग मशीन का जो प्राइस स्टार्ट होता है वो प्राइस होता है 1,20,000 रुपया से लेकर के 2,10,000 रुपया तक। अगर आप 2,10,000 रुपया का रुपया लगाते हैं तो आपको 1,20,000 वाला मशीन न दिया जाएगा, सेल के लोहा में इस प्रकार का मशीन बना के दिया जाएगा। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है और ये जरूरी नहीं है कि 1,20,000 वाला आप ले लीजिएगा तो उससे काम होगा, न होगा, काम उससे भी होगा, लेकिन जो लोग 1,80,000 रुपया लगाते हैं या 2 लाख रुपया लगाते हैं तो उनको क्वालिटी वैसा ही मिलता है, उतना ही स्पीड चलाते हैं, उतना ही ज़्यादा वजन देते हैं और एकदम बेधड़ाक काम करते हैं। तो मैं बताने वाला हूँ कि सीट कटर मशीन आप कैसे परचेज कर सकते हैं और अपने बिजनेस में कैसे बढ़ावा कर सकते हैं। आप जो है अगर पेपर लेमिनेशन मशीन लगाए हुए हैं और ऑल इन वन आपके पास है तो अभी क्या होगा कि आप रोल तो बेच रहे होंगे, सर्कल बनाने का आपके पास उपाय नहीं है। तो अगर एक सीट कटर मशीन लगा लेते हैं तो आपका क्या हो जाएगा कि हाइड्रोलिक पे गोल कट जाएगा और लेमिनेशन मशीन से रोल उतरेगा, इस पे चढ़ जाएगा और सीट कट जाएगा। तो ये आपका बिजनेस में काफ़ी मुनाफा बढ़ा के दे सकता है और अभी
बिहार ही नहीं अनेकों राज्यों में इस सीट कटर मशीन का जो है काफ़ी डिमांड है और लोगों को रिंकल थाली का रॉ मटेरियल नहीं मिल पाता है। तो अगर आप लगाते हैं तो मैं डायरेक्टली जो है आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, या आप किसी एरिया में लगाए हुए हैं तो आप मुझसे कंसल्ट ज़रूर कीजिए, मैं आपको जो है कस्टमर देने का प्रोवाइड करूँगा। क्योंकि देखिए बेरोजगारी कैसे दूर होगा, कोई कस्टमर अगर दिल्ली से रॉ मटेरियल ले रहे हैं तो उनको ज़्यादा खर्च लग रहा है, भाड़ा खर्चा ज़्यादा लग रहा है, लाने में प्रॉब्लम आ रहा है, गलत मटेरियल आ जा रहा है, और उनके अगर गांव में अगर ये चीज़ मिल जाए तो उनको कितना आसान होगा बिजनेस करने में, तो बेरोजगारी दूर होगा कि नहीं। तो यही है, आप कंसल्ट करके जुड़ के काम कीजिए, आप आगे तक जाइएगा। बात करते हैं सीट कटर मशीन का। तो सीट कटर मशीन जो अभी वीडियो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, ये 32 इंच का सेल के लोहा में बना हुआ सीट कटर मशीन है। इस पे आप घंटे में 800 से 900 केजी तक का जो है सीट काट सकते हैं। और इसे 2 HP का मोटर और 2 HP का पैनल इसमें दिया जाता है, जो कि आप इससे स्पीड को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, सारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इस पैनल के द्वारा कर सकते हैं। इस मशीन को चलाना ज़्यादा टफ नहीं है, अगर आप इस बिजनेस में है तो आप आसानी रूप से इसको चला सकते हैं, कोई खास बात नहीं है। लेमिनेशन से भी जो है हल्का है ये मशीन चलाने में। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप कृष्णा इंटरप्राइजेज में विजिट कर सकते हैं, यहाँ पे मशीन को जो है बनाया जाता है, तो विजिट करके जानकारी ले सकते हैं इस विषय के ऊपर और आप इस बिजनेस में आ सकते हैं। आशा करता हूँ आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो। इस तरह की नए अपडेट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियो मैं आप लोगों के लिए हमेशा लाता हूँ और लाता रहूँगा। मिलते हैं अब अगले वीडियो में एक नए आइडिया के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।